आप आधे प्राइवेट मान लीजिए, आधे गवर्नमेंट में मान लीजिएगा। So what is the positivity rate that you are expecting today, and do you expect that the numbers are going to multiply further? You said 10,000 today. So अभी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, सारा डेटा कलेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, पर हाँ लगता है 10,000 के आसपास आएंगे और पॉजिटिविटी 10% के आसपास आनी चाहिए। सर पिछली बार जब कोरोना का पीक था एक दिन में 27,000 केस तक आ रहे थे, इस बार ओमिक्रॉन की वजह से बोल रहे कि बहुत ज्यादा फैल रहा है, क्या आप लोगों ने कुछ उम्मीद की है कितने केसेस तक एक दिन में आ सकते हैं, उस हिसाब से तैयारी की है? देखिए फर्क क्या है कि पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहा है, बस प्रोपोर्शनेटली जो हॉस्पिटल एडमिशन है उतने नहीं है जितने कि पिछली बारी था, कि अगर 10,000 पेशेंट आते थे तो कम से कम 1,500-2,000 एडमिट होते थे, अब 10,000 पेशेंट के ऊपर अगर 200 थे या 300-350, मतलब पहले एडमिशन 15% था, अब एडमिशन 3% के आसपास है। सर सीएम की क्या तबीयत कैसी है आज, क्योंकि उन पर वो कोमॉर्बिड हैं तो इसलिए उनके सेहत का भी अगर आप, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आइसोलेशन में है एंड ही इज फाइन। सर होम आइसोलेशन को लेकर कोई मीटिंग है आज? मीटिंग तो रोज ही होती है, अलग से नहीं है आज। सर आइसोलेशन सेंटर जो आप लोगों ने बनाए हैं वहाँ पे क्या कुछ तैयारियां हैं, जैसे ज्यादातर लोगों में सिम्टम्स नहीं है लेकिन सभी लोग अपने घर पे होम आइसोलेट नहीं हो सकते, उनका ऐसी व्यवस्था नहीं होती है? देखिएगा हमने पहली बात तो ये कि जो सिम्टम नहीं है उनको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जिन लोगों को सिम्टम्स हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिनके घर में जगह नहीं है उनको कोविड केयर सेंटर की स्थिति है, अभी हमारे काफी वहाँ पर भी 5% ऑक्यूपेंसी है। कितने सेंटर्स हैं सर, कितने बेड्स हैं, अगर कुछ जानकारी आप दें? कल का डाटा मैं बताया था जो अभी स्टार्ट किए हुए थे 4,547, जिसमें से 324 पेशेंट्स थे कोविड केयर सेंटर जी, और इसमें 324 में से आधे से ज्यादा पेशेंट हुए जो विदेशों से आए हैं, वो इनको पेशेंट एक्चुअली कहना ठीक नहीं है, उनको कोई सिम्टम नहीं है ज्यादातर लोगों को, तो उनको भी इसमें रखा गया। सर एक आपने फिर कोविड वॉर रूम की शुरुआत की है, उस कोविड वॉर रूम में कौन कौन सी जानकारी आपको आपके पास डायरेक्ट आ रही है, और जो ऑक्सीजन के व्यवस्था की है ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर वो क्या है? ऑक्सीजन के लिए जितने भी LMO टैंक्स हैं, जो बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रखी जाती है, उनके अंदर टेलीमेट्री डिवाइस लगा रहे हैं जिससे कि लाइव पता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन बाकी है, ऐसा ना हो कि अचानक ऑक्सीजन खत्म हो जाए और उसके पता लगेगा खत्म, तो अलर्ट पहले ही आ जाएगा कि इतनी ऑक्सीजन बाकी है तो उसको ताकि बोला जाए। कोविड वार्ड रूम में क्या होगा सर? कोविड रूम में सारे बेड ऑक्यूपेंसी, कितने पेशेंट पॉजिटिव हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कहाँ पर आईसीयू बेड की जरूरत है, तो उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हॉस्पिटल वाइज भी सारा डेटा रहेगा। सर जितने आपके कोविड केयर सेंटर थे उनमें एक दो को अभी ऑपरेशनल किया गया था, CWG एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स में, क्या सभी को ऑपरेशनल कर रहे हैं, जैसे बुराड़ी का जो था? या हाँ जी सबको ऑपरेशनल कर रहे हैं, परंतु अभी देखो ऑक्यूपेंसी जो ऑपरेशनल है उनके अंदर भी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 7% है, 93% बेड खाली है। होम आइसोलेशन में सर जो क्वेश्चन सर, इफ यू लुक एट द बेड ऑक्यूपेंसी स्पेशली ऑक्सीजन बेड आल्सो, नंबर्स अगर आप कंपेयर करें एक हफ्ते से पहले, नाउ इट इज स्टार्टिंग टू गेटिंग फिलिंग अप फिल्ड अप वेरी वेरी फास्ट, वो रेट ऑफ इंक्रीज थोड़ा हायर हो रहा है, सो कीपिंग दैट इन माइंड इज दैट अ कॉज फॉर कंसर्न? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कल जो 418 बेड थे उसमें से 308 पेशेंट ऐसे थे जिनको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, 168 जो पेशेंट थे उसमें से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पे थे, ऑक्सीजन की ऑन एंड ऑफ जरूरत पड़ी थी, और 14 पेशेंट जो थे वो वेंटिलेटर बेड्स के। लेकिन वो जो संख्या था ना, वो जो संख्या बता रहे 168 ऑन ऑक्सीजन बेड्स एंड 14 ऑन वेंटिलेटर्स, वो पहले दिनों में और भी कम था, वो बढ़ रहा है सर, दैट इज द क्वेश्चन। बढ़ रहा है पर परसेंटेज में देखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर पे पेशेंट का बहुत बढ़ रहा है, जिस टाइम पर दिल्ली के अंदर अभी ये दूसरी तरह से आप देख सकते हैं 15,000 एक्टिव पेशेंट थे, कल 15,000 पेशेंट में 14 बेड ऑक्यूपाइड थे वेंटिलेटर के, पहले जब 15,000 एक्टिव पेशेंट थे तो वेंटिलेटर बेड इससे कम से कम 20 गुना थे जो ऑक्यूपाइड थे, तो 10-15% था बीते दिन की, ज्यादातर केसेज अब ओमिक्रॉन के आ रहे हैं जी, लेकिन जो मरीज ऑक्सीजन पे है जो वेंटिलेटर पे है क्या वो भी ओमिक्रॉन के हैं? नहीं देखो अब सबकी ना जीनोम सिक्वेंसिंग हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक नंबर था 100-200 रोज आ रहा था तब तक सबकी कर रहे थे हम लोग, अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सिक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, और ICMR ने भी कहा कि जीनोम सिक्वेंसिंग करने का लॉजिक नहीं बचता है, तो सैंपल सिक्वेंसिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर अभी भी कुछ पेशेंट्स डेल्टा के भी आ रहे हैं, कुछ दूसरे वेरियंट्स के भी आ रहे हैं,
तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कौन से वेरिएंट का बाहर जाने वालों में प्रतिशत अभी तक एक भी नहीं मिला उनमें से कोई भी ऑक्सीजन के वेंटिलेटर पे नहीं है सर कुछ राज्यों में 5% मामलों की जीरो सीक्वेंसिंग हो रखी है आपने कोई फिक्स किया है कि मामले ज्यादा आने लगे आपने कहा सबकी पॉसिबल नहीं है नहीं देखिएगा दिल्ली के अंदर 100% की हो रही थी जी जीनोम सीक्वेंसिंग 100% की हो रही थी और उसका मकसद कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता उससे ट्रीटमेंट कोरोना का वही है डेल्टा का भी ओमिक्रॉन का भी और दूसरे वेरिएंट्स का भी सबका एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज थी देखने के लिए कि क्या देश में ओमिक्रॉन भी आया है या नहीं आया है अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन देश में आ चुका है ओमिक्रॉन फैल रहा है अब कितने फीसदी मामलों की सर हो रही है अभी डेली कहते 300-400 की उनमें से सर कोई भी ऑक्सीजन टेस्टिंग को लेकर पिछले जब ये मामले एकदम से बढ़ने लगे तो 65,000 सर 75,000 के आसपास टेस्ट हो रहे थे एक दिन में लेकिन पिछले एक दो दिनों की बात करें तो 65,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं तो क्या सर इनको बढ़ाना है या टेस्ट बढ़ा दिए गए ऑलरेडी अब कहते हैं पहले 50-55-60,000 हो रहे थे अब 70 से ऊपर हैं और वो और भी बढ़ा रहे हैं कल 65,000 की टेस्ट हो पाए उससे पहले 63,000 के आसपास टेस्ट हो पाए दो दिन की बात की जाए आज 90,000 आएंगे चिंता मत करो सर करीब 10,000 मरीज होम आइसोलेशन में होम आइसोलेशन को लेकर आप लोग की जो नीति थी उनको घरों तक उनके घरों तक ऑक्सीमीटर पहुंचाना या दवा पहुंचाना सभी पेशेंट्स के साथ जो भी होम आइसोलेशन में है उनके घर हमारी टीमें जा रही हैं उनको पल्स ऑक्सीमीटर थर्मामीटर दवाइयाँ सब चीज़ें दी जा रही हैं और डेली उनसे फोन पे कांटेक्ट करके उनका हालचाल जानना सर द चीफ मिनिस्टर हैड सेड दैट दिल्ली विल बी रेडी फॉर 3 लाख टेस्ट्स अ डे एंड 1 लाख पेशेंट्स पर डे इज द